सो यो व्हाट्स अप माई फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे आप सब, आई होप कि आप लोग सेफ होंगे और घर पर। दोस्तों आज मैं लेके आके बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग वीडियो। तो जी हाँ दोस्तों, शॉर्ट्स आ चुका है और मैंने भी एक शॉर्ट्स डाला था जिसके ऊपर कि बहुत अच्छे व्यूज आए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको ये सिखा दूँ कि आपको पता ही होगा शॉर्ट्स जो 15 सेकंड्स के अंडर ही होना चाहिए तो ही वो शॉर्ट्स कंसिडर होता है। लेकिन हम लोग एक ऐसी टेक्निक लेके आ गए जिसकी वजह जिससे कि आप शॉर्ट्स को जो है 15 सेकंड्स के ऊपर भी अपलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है कि आप 15 सेकंड्स के अंडर ही आप अपलोड कर रहे हैं शॉर्ट्स और आपको उसके ऊपर अपलोड करना है और आप नहीं कर पा रहे, तो आप सही वीडियो पे आए क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप कैसे 15 सेकंड्स हो या फिर 30 सेकंड्स हो या 1 मिनट हो आप अपलोड कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी जो हम लोग आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग यूट्यूब पर चले जाइए और आपको शॉर्ट्स अपलोड करने के बारे में तो पता ही होगा। तो यहाँ पर आपको क्रिएट शॉर्ट करके दिख रहा होगा तो उसे तो शॉर्ट्स अपलोड करने के लिए आपको वहाँ पर क्लिक करना होगा शॉर्ट्स के बटन को और यहाँ पे जाके आप अपलोड पे जाके अपना वीडियो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अपलोड पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको 31 सेकंड्स का वीडियो दिख रहा होगा तो मैं उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेकिन हाँ दोस्तों, पोर्ट्रेट में होना ज़रूरी है वीडियो को, तो वो भी आप देख लेना। तो वीडियो पोर्ट्रेट में होना चाहिए तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ उस वीडियो को बताऊँ। तो उसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ ओवरव्यू ऐसा दिखेगा और यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा एडिट इनटू ए शॉर्ट, यानी कि ट्रिम योर वीडियो टू 15 सेकंड्स एंड ऐड म्यूजिक। तो हमें वो क्लिक नहीं करना है क्योंकि हम उसे सेलेक्ट किए बिना नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे आपका मेन चीज़ जो है वो ध्यान आपको रखना होगा, जो कि है क्रिएटेड टाइटल आपको यहाँ पे लगाना होगा, जिसमें कि आपको #shorts करके लिखना पड़ेगा। #shorts करके लिख दीजिए जिससे कि YouTube को ये पता चल जाए कि ये एक शॉर्ट्स है। तो इस वजह से जो है YouTube जो है शॉर्ट्स में आपका ये वीडियो जो है वो दिखाए। तो #shorts लिखने के बाद आपका जो भी टाइटल हो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने #shorts लिख दिया और यहाँ पे कुछ भी मैं लिख देता हूँ क्योंकि एक सैम्पल वीडियो है। तो यहाँ पे #shorts लिखने के बाद आपका वीडियो का जो भी टाइटल हो आप लिख सकते हैं जिससे कि जो है ये वीडियो जो है शॉर्ट्स में कंसिडर हो जाए। और इसके बाद आपको जो भी सेटिंग करनी है आपको वो आप कर दीजिए और यहाँ पे आप अपलोड कर दीजिएगा। तो अपलोड करने के बाद यहाँ पे जो है वीडियो अपलोड हो जाएगी और ये वीडियो जो है वो शॉर्ट्स में कंसिडर हो जाएगी। तो ऐसे ही आप कर सकते हैं। मेरा जो पिछला वीडियो था वो भी कुछ 15 सेकंड्स के ऊपर का था और मैंने भी उसमें #shorts करके टाइटल में लगाया था, जिसकी वजह से वो वीडियो जो है शॉर्ट्स में कंसिडर हो गया था और उसे बहुत रीच मिली थी। आपको पता ही होगा, आपने मेरा शायद शॉर्ट्स देखा ही होगा, तो वो भी आप जाके देख सकते। तो आज के वीडियो में यही था, मैंने आपको ये सिखाया कि आप कैसे शॉर्ट्स को जो है 15 सेकंड्स के ऊपर तक अपलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें हमारी तरफ से। और हमारे पुराने वीडियोस आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं क्योंकि हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट्स इंस्टाग्राम पर आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।